मैंने माँ की सेवा की नौकरी ली और माँ क्या चाहती है, वो चाहती है कि उसके घर के लोग खुश, कि घर खिल जाए, यही मैं चाहती हूँ सुल्तानपुर के लिए। जो बड़े बड़े काम मैं कर सकती थी इस पूरे 5 साल में, हर 15 दिन मैं एक नई सचिन पांडे युवा गोष्ठी को, महिमा शंकर जी, देश पांडे जी, हमारे रौनक सिंह जी प्रधान, अशोक पांडे जी प्रधान, हरिओम हरिशंकर वर्मा जी हमारे मंडल अध्यक्ष, बहुत ही काबिल इंसान, हमारे राहुल शुक्ला जो मैं पहले बोल चुकी हूँ बहुत काबिल है, अजीत सिंह जी, राजेश शुक्ला जी, आदम रमन सिंह जी प्रधान, सुरेंद्र सिंह जी प्रधान, बजरंग बहादुर सिंह जी प्रधान, हमारे बहुत ही वरिष्ठ शुरू से हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे अरुण वर्मा जी सिंह, हमारे संदीप दुबे जी को, यह करुणा शंकर शुक्ला गीता पांडे महामंत्री, पप्पू जी कौन है बड़ा, कुजू पांडे, सत्य प्रकाश पांडे बड़ा, धर्मेंद्र पांडे बड़ा, कपिल वर्मा जी, उग्रसेन सिंह जी, साधना पांडे, आशा बहु बड़ा, राधिका जी की नौकरी नहीं ली, मैंने माँ की सेवा की नौकरी ली और माँ क्या चाहती, वो चाहती है कि उसके घर के लोग खुश, कि घर खिल जाए, यही मैं चाहती हूँ सुल्तानपुर के। जो बड़े बड़े काम मैं कर सकती थी इस पूरे 5 साल में, हर 15 दिन मैं एक नई सौगात लाई, हर 15 दिन इलेक्शन भी चला है तब भी मैं सौगातें ला रही हूँ, हर 5 दिन अभी इलेक्शन में 6 करोड़ रुपए लाए, 12 गांव में मैंने नलकूप लगाए, अभी परसों के दिन मैं लाई हूँ 1,49,00,000 5 स्कूलों के लिए कादीपुर में। आप लोग मुझे बोलते जाओ, मैं करती जाऊँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ, जो आप चाहते हैं, क्योंकि घर के मालिक आप हैं, आपको बोलने की देर। आप लोगों ने कहा मेडिकल कॉलेज चाहिए, आपने कहा कि आपको नवोदय चाहिए, आपको चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र, आपको पॉलिटेक्निक, आपको ITI, आपको बस अड्डा, आपको फायर ब्रिगेड, आपको रजिस्ट्री ऑफिस, आपको सड़कों का बौछार, आपको ये सब तारे बदलने, आपको क्या क्या बोलते जाओ। आप लोगों ने जो बोला मैंने किया, आपने कहा अस्पतालों को ठीक करो, वीर सिंहपुर में नया अस्पताल, जोधपुर के अस्पताल को ठीक किया, शहर में औरतों के 5 मंजिल का अस्पताल था, कोई लिफ्ट नहीं था, लिफ्ट लगाया, एम्बुलेंस 10 और रख लिए, इमरजेंसी कमरा बनाया। आप लोगों ने कहा बिजली कम है, 3 बिजली के सब स्टेशन लगाए, 3 पुलिस के क्या बोलते हैं थाने बनाए। आप लोगों ने जो भी बोला मैं करती हूँ, कहीं पोस्ट ऑफिस लगाया, कहीं रेडियो स्टेशन लगाया, आप बोलते गए मैं करती हूँ, लेकिन इससे बढ़ करके जो आपने हमसे व्यक्तिगत मांगा वो मेरी खुशी है आपकी मदद करके। जब भी मैं आती हूँ हर 15 दिन में 3 दिन के लिए, तो 200-300 लोग सुबह आते हैं, किसी की ज़मीन फंसी पड़ी है, किसी के घर पर अतिक्रमण है, किसी के पति बीमार है और उसके पैसे नहीं है, किसी की लड़की भाग गई है, किसी का लड़का का कत्ल हुआ है, सब मैं संभालती सब, और कोशिश करती हूँ कि उसी वक्त उसका समाधान हो जाए। मैं जब जाती हूँ गांव-गांव पर मीटिंग के बाद, 2-3 लोग आते मेरी गाड़ी के पास, कोई कहता है अभी हमारे कौन आए थे कि हमारी ज़मीन फंसी पड़ी है,
उसी वक्त गुरु के सामने मैं फोन करती हूँ और मामला सुधर जाता। कोई आकर के कहता कि उसको अभी एक औरत आई कि उससे उसकी सास